दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय studytips.in। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, हम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर बिजनेस के फील्ड में एक्सपांड करना चाहते हैं। इसलिए हम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो MBA कोर्स कर रहे हैं, किसी ने MBA का कोर्स कंप्लीट किया होगा, या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो MBA का कोर्स करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होगा, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को 20 ऐसे हाई सैलरी जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो एक MBA का स्टूडेंट कर सकता है। आइए इन जॉब्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट जॉब है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर दोस्तों आपने MBA, BBA या फिर BCA में से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट किया है और दोस्तों आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 15,000 से 25,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी, और जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी भी मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए कितना खर्च आता है, और दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको मेरे वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर से रिलेटेड सभी प्रकार की नॉलेज आपको हिंदी में मिल जाएगी। सेकेंड जॉब है दोस्तों मार्केटिंग मैनेजर का। दोस्तों अगर आपने एक MBA, BBA या फिर BCA का कोर्स कंप्लीट किया है तो आप अपने लाइफ में एक मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। अगर दोस्तों आपके अंदर एक मार्केटिंग मैनेजर की स्किल्स है तो एज अ फ्रेशर आपको 25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी, और जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों आप 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी एज अ मार्केटिंग मैनेजर ले सकते हो। मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जानने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड जॉब है ऑपरेशन मैनेजर की। दोस्तों अगर आपने MBA का कोर्स कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप ऑपरेशन मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेशन मैनेजर को एज अ फ्रेशर 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा आपको 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाएगी, और दोस्तों इससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेशन मैनेजर का काम कर रहे हो। ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या होता है एंड इत्यादि से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्थ जॉब है HR मैनेजर। दोस्तों अगर आपने MBA का कोर्स कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप HR मैनेजर के पोस्ट पर काम कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 20,000 से 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको 30,000 से 80,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों HR का काम क्या होता है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंड HR के कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, इत्यादि से रिलेटेड जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिफ्थ जॉब है दोस्तों IT मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बड़ी फील्ड है। यहाँ पर दोस्तों नए नए जॉब्स के ऑप्शन निकल के आते हैं, इनमें से ही एक जॉब है IT मैनेजर का। दोस्तों अगर आपने एक MBA का कोर्स कंप्लीट किया है तो आप अपने लाइफ में IT मैनेजर बनकर 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी कमा सकते हो, और दोस्तों आप हर महीना 3 लाख से 5 लाख रुपए की सैलरी भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के IT मैनेजर के पोस्ट पर काम कर। इसी तरह से दोस्तों बिजनेस रिसर्च एनालिसिस, लॉजिस्टिक मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, परचेसिंग मैनेजर,
हेल्थ सेंटर मैनेजर, पॉलिसी एनालिस्ट, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोस्तों, इन सभी जॉब पोस्ट के बारे में डिटेल में मैंने मेरे वेबसाइट के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी जॉब के बारे में डिटेल में जानना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।